हे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का कैसे लॉन्ग टर्म होता है, कैसे शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको पहले ज्यादा अच्छे से समझना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म बनाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म भी बताएंगे। चलिए देखिए, रेशनलाइजेशन हिंदी बोले तो परिमेयकरण यदि आप करना चाहें ना, तो सिंपल सा, यदि कोई भी हम नंबर ले लें, यदि सपोज कीजिए x इक्वल टू यहाँ पे 2 या 3 टू रूट से लेते हैं, टू रूट टू, इस तरह से रूट 3 प्लस 2 रूट 2 ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर हम लेते हैं 7 माइनस 4 रूट आपने तब से माना गया, तो यहाँ पे मैं कहूँ इसका रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे x है, यदि c को मैं 1/x कहूँ, 1/x, तो अब क्या बनेगा, इसको ऐसे कर दोगे ना, l रखें 3 प्लस 2 रूट 2, राइट। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड होगा, तो जब इसी का उल्टा करना रहे, उल्टा करना रहे, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी का नेगेटिव कर दीजिए, 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो गया रेशनलाइजेशन। पर मैं क्या बोलूँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कैसे ये भी जान लीजिए। यदि आप 3 का स्क्वायर करते हैं, माइंड में रखिए कब ये स्क्वायर काम करता है, शॉर्टकट कैसे काम करता है, 3 का स्क्वायर 9, माइंड में सोच लीजिए, उसके आगे वाला है 2 रूट 2 का भी स्क्वायर कीजिए, और उसका स्क्वायर करके आप पहले का स्क्वायर करके, यदि दोनों को माइनस करें, यदि 1 आता है तो समझे रेशनलाइजेशन आपका परफेक्ट। कैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 रूट 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 रूट 2 का स्क्वायर, अरे 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 टू जा 4, आप 4 टू जा 8, यानी 9 में से कितना गया 1। अब इसका देखिए, यदि मैं कहूँ यहाँ पे पी है, 1/p निकालता इसका प्रेस लिखते ना, इसके तो बोल रहे थे कि इसके तो बोले तो प्लॉट पे अब लिखते 7 माइनस 4 रूट 3, इसको डायरेक्ट यदि मैं लिखूं तो यहाँ लिख देते 7 प्लस 4 रूट 3, प्लस रहेगा तो माइनस लगाना है, माइनस रहेगा तो प्लस लगाना है, ये यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट मैंने प्लस लगा दिया, और यहाँ पे आपका प्लस था यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया माइनस, ये रेशनलाइजेशन का प्रॉपर्टी होता है। इसका मैं देख लीजिए कैसे, इसका मैंने सोच लिया इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, यानी 7 × 7 = 49, माइनस 4√3 है तो 4√3 × 4√3 4 × 16 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 40 यहाँ पर 16 × 3, तो 16 × 3 कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ पे 7 × 49 माइनस 48 वी गेट द 1, वी गेट द 1, यानी हमें 1 रिसीव हुआ। तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, ये रेशनलाइजेशन का अंतर है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का अंतर है, इसी तरह हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्या क्या लगा है, कि हमारा क्या आ जाए, ठीक है। अदरवाइज तो इतना बात समझ में आ गया, और भी कोई एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, समझिएगा यहाँ पर आपके लिए, यदि मैं कहूँ वाई इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं अपने तरफ से, ठीक है, जिसको आप क्या समझ लें, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो सिंपल सा दिमाग लगा, इसका स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 36, हाँ, इसका 2 √5 2 √5 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 20, कितना आ जाएगा 20, तो 20 होगा। तो यहाँ पे भी आप सोचोगे यार, यहाँ पे तो पॉसिबल ऐसे हो पाएगा नहीं पाएगा, मैंने कहा 1 का डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखना, क्या √21 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 तो आप कभी-कभी सोचोगे हो गया, तो यदि इन दोनों को ऐड करना रहे सिंपल सा, इसको ऐड करना रहे, ये इसको इसको ऐड करना रहे, तो आप कभी-कभी जब कंपटीशन में बैठते हैं तो शॉर्टकट यूज कर लेते हैं,
एक्स को इतना गया थ्री प्लस रूट टू, ऐसे टू रूट टू हो गया। और वन बाई एक्स का कितना आया है, प्लस है यहाँ पे, वन बाई एक्स का कितना आया आपका थ्री, यहाँ पर थ्री माइनस टू रूट टू। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो कैंसिल होगा तो कितना आया एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका थ्री थ्री सिक्स, राइट, थ्री थ्री सिक्स पूछ रहा है। अब इसी का स्क्वायरिंग पूछ रहा है ऑन द बोथ साइड, फाइंड द वैल्यू, पोजिशन आपका यही बन रहा था ना कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या निकालिए स्क्वायर रूट निकालिए, क्या निकलिए स्क्वायर निकालिए ना स्क्वायर, इसी को स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा क्या आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए ये स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा वन बाई ऐसे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका टू ए बी टू, ए को कितना एक्स हो गया अब बी को वन बाई एक्स, और ये कितना जाएगा थर्टी सिक्स, सिक्स का सिक्स इंटू सिक्स वी गेट द थर्टी सिक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल बच्चा क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस टू वी गेट द थर्टी फोर। आगे समझे तो देखो आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो लोअर क्लास में हो चाहे हायर क्लास में हो, ये बात लॉजिक ये डिपेंड करता है कि आप जो है एक मेथड से कई मेथड्स उसको सॉल्व करने की प्रोसेस कर रहे हो, सेम आंसर आना चाहिए। तो आप माने जाओगे या कि तुम जो है अपना माइंड लगा रहे हो मैथमेटिक्स माइंड ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। एच तरीके से आप वर्क कर सकते हो, माइंड का यूज करें और अपने माइंड को एकदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। माइंड से ही जो हम लोग पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, और मैथमेटिक्स के आधार पे ही जो है लॉर्ड कृष्णा हमारे पूरे लाइफ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए थे, विकास किए थे। सो वीडियो को ऐसे दर्शन करते रहे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन आता है पी इक्वल टू सेवन माइनस फोर रूट टू देन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस अपॉन सेवन पी, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगा कर पढ़ सकते हो। कैसे देखिए यहाँ पे प्लस वन है, इसमें थोड़ा टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। कैसे टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसको आप कैन यू रीट इन फोर प्लस थ्री ऐसे लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। कहीं ऐसा स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, फोर प्लस थ्री सेवन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टू इंटू टू रूट थ्री ऐसे लिख सकते हैं, टू टू जा फोर फोर रूट थ्री जा। तो ये देखिए ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला का टू, फॉर्मूला का टू ए की रूट कितना हो गया टू, अब बी की रूट कितना हो गया रूट थ्री, यानी दिस इज द फॉर्मूला बिलोंग टू डेट ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। हाउ ए स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, टू ए बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैसे कि यहाँ पर ए को रूट टू हो गया, अब बी को रूट क्या हो गया यहाँ पे माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू पी, ठीक है पी हो गया। आप दिमाग लगाए यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे करा ये पी क्यू यदि हम पुट करते हैं, हम लोग पी क्यू क्या करें पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर स्क्वायर करें तो टू जो फोर हो जाएगा, राइट। आप पाँच सेवन थ्री प्लस वन, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये पोजिशन यदि पी क्यू यहाँ पर ला कर पुट करते हैं और उसके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पे स्क्वायर होता जाएगा, स्क्वायर पे स्क्वायर होता जाएगा। सो बेटा पी पी क्यू आपका सेवन माइनस फोर रूट थ्री का
होल स्क्वायर देखो ठीक है, इसका फल फाइव ल्यूबिक का यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर कर ठीक है, स्क्वायर कर रहा है प्लस वन बाई सेवन और यहाँ पे पी की वैल्यू कितना आपका लिख सकते हैं यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ पर ये लिखते हैं सेवन माइनस फोर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे ले लेते हैं, रेशनलाइज कर देंगे आसान से आ जाएगा। यहाँ पर सेवन माइनस फोर रूट थ्री और फोर स्क्वायर और यहाँ पे सेवन माइनस फोर रूट थ्री यहाँ एक डिग्री से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे हिसाब कर जाएगा। इसलिए हम ये भी कर दिए, देखिए क्वेश्चन को बनता कि नहीं बनता, तो ये पी ओनली पी का यहाँ पे पी स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करें तो चार हो जाएगा, तो तोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो क्यों ना आप ये जिस तरह से हो सकते हो यार, ये पी है ठीक है, तो पी है तो यहाँ पे पी को मैंने पुट कर दिया है, फिर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, अदरवाइज ऐसे नहीं करते वैल्यू विदाउट वैल्यू पुट करके, एक बार पी स्क्वायर है एक बार इधर सेवन पी लिखते, एक बार प्लस वन बाई सेवन पी इस तरह से हो जाता है, एक पी से एक पी का जाता है कैंसिल हो जाता है ठीक है, यह टेक्निक था ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा ये सोचना इतना हो गया, फिर यहाँ पे प्लस वन अपान सेवन सेवन माइनस फोर थ्री, अब मैं बचा क्या आपका बचा यहाँ पे है सेवन माइनस फोर थ्री अपान एक नहीं सेवन बचा है, यहाँ पे भी सेवन वन बाई सेवन काम ले लेंगे और यहाँ पे सेवन माइनस फोर थ्री, यानी इसका रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, प्लस रहता क्या लिखते हैं माइनस से, माइनस रहता क्या लिखते हैं प्लस, रेशनलाइज करते हैं सिर्फ इसी का रेशनलाइज करते हैं, बड़ा नहीं जा रहा है ओनली वन बाई सेवन फोर या सेवन माइनस फोर रूट थ्री इंटू सेवन प्लस फोर थ्री सेवन प्लस फोर रूट थ्री, नीचे वाला परमिकरण जिसको आप हिंदी भाषा बोलते हैं, माइनस सेवन है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री ठीक, और ये कौन सा मोड बच्चों को लग गया, ये माइनस बी और ये प्लस बी, तो कौन सा मोड होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सेवन सेवन जहाँ फोर्टी नाइन सात सौ उनचास माइनस ये फोर रूट थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए चार चौका सोलह है और सोलह की थ्री यानी सिक्सटीन थ्री का फोर्टी एट राइट, यहाँ कितना आया आपका ये माइनस करेंगे तो वही सेवन प्लस फोर रूट थ्री बाई वन लिखना जब लिखा ना, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे सेवन वन बाई सेवन वन बाई सेवन कॉमन लेते हैं, नीचे ने दिखा है ना वन बाई सेवन और यहाँ पे पूछते हैं तो वन बाई सेवन कॉमन लेंगे, वन बाई सेवन कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका ये बचा था यहाँ से सेवन प्लस माइनस फोर रूट थ्री, आज इसको सॉल्व किए हैं वन बाई सेवन बाहर लिए हैं तभी यहाँ कौन बचेगा, इतना को सॉल्व के थ्रू यही आया है प्लस सेवन प्लस फोर रूट थ्री राइट, तो देखिए नीचे लिखना वन जरूरी है नहीं, तो शायद निकल गया है यहाँ पर ये वन लिखना जरूरी है नहीं, तो देखिए दिस एंड दिस कैसे, तो साथ साथ कितना जाएगा आपका फोर्टीन बाई सेवन सेवन कट जाए कितना आएगा आपका टू, तो टू है इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द टू। अब इसको मुझे सार पार्ट बताना होता तो ऐसे पहले आप लोग अपने हिसाब से सोचते हैं यार क्या करें इसका रेशनलाइज करें कि यहाँ पे पी को वैल्यू दिया था पी को वैल्यू रख के स्क्वायर कर दें प्लस वन करेंगे, इस तरह जब आप करोगे ना तो दिमाग में लंबा थोड़ा जाएगा, तो हम क्यों ना सोचें अरे यार क्या करें, एक बार पी इसके नीचे लेना आप पी एक बार इसलिए इसके नीचे लेना, जैसे आप जो है फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो एक पी से एक पी कट जाएगा तो एक पी बचा था, आज एक बार इसके नीचे आएगा सेवन पी तो सेवन हम कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो जब वन बाई पी इसका उल्टा करते हैं तो शॉर्टकट एक रूल बता दूँ, यदि ये पी है यदि इसका उल्टा करें तो प्लस है माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, अब प्लस है तो माइनस, लेकिन इतना चीज आप ध्यान रखिए रेशनलाइज में कभी आप करते हैं प्लस या माइनस, इसका स्क्वायर कीजिए तो सेवन सौ जब फोर्टी नाइन आज इसका स्क्वायर कर दीजिए माइंड में फोर फोर जा सिक्सटीन और रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर जाएगा, तो यहाँ पर सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट हो जाएगा, तो फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट वन आएगा ना,
तभी यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने मित्रों के अपने दोस्तों को एकदम परमानेंटली समझें सुनकर। ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई भी करना चाहिए क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, ठीक है। आइए हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। ये जो है क्लासिक्स वाले भी लगाएंगे, क्लास सेवन्थ वाले भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, भाषाएँ आपको समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए, तो अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा कि डिवाइडिंग यानी भाग कीजिए क्या 85 बाई माइनस 17 माइनस 72 बाई 18 माइनस 80 बाई 16 से डिवाइड करना है। तो प्रिय बच्चों, आप बाई का मतलब ऐसे यहाँ से यानी यहाँ पब्लिक दो भाग कीजिए। हिंदी दोनों बच्चों अच्छे तरीके समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। भाग कीजिए तो ये 85 बाई 17 बोलो मत, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे 85 बाई माइनस 17, देख रहे हो ना तुम लोग, दिख रहा है ना 80। तो हाई डिवाइड का मतलब ऐसे, हाई बाई का मतलब ये हुआ, ये वाला ऐसे लगाओगे तो ऐसे होता है, बाई का मतलब, क्लियर, ठीक है। तो इसको आप नीचे ला दो, क्या करोगे नीचे ला दो, तो 85 बाई माइनस 17 इक्वल टू आप 17 का, आप लोग को टेबल आता है 17 का टेबल, ऐसा पढ़ें कि 85 से अधिक ना जाए। तो 17 कम 17 और 17 पचे 85, यहाँ पे 5 बचा और नीचे माइनस 1, ये माइनस 1 हमेशा नीचे रहता है, लिखते नहीं है। तो ये वाला माइनस कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या लिखते हैं माइनस 5, यहाँ पे एक जो है छिपा रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यही आपका हो गया आंसर, ठीक। चुपचाप बैठो, ये हो गया। आप इसी को यदि चाहो तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो बच्चों, हाई 17 है ऐसे 17 माइनस लिखे जो यहाँ पीछे है, इसको आगे लिख दो ऐसे और ऐसे खींच दो। तो ऐसे में अब यहाँ पे क्या, ये वाला जो शुरुआत वाला है उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है ऐसे नॉर्मल। यदि माइनस तो आप जो भूल जाओ तो 17 का पाड़ा ऐसा पढ़ो 85 से अधिक ना हो, 17 पचे 85, अरे क्या कर रहे हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 पचे 85, ये वाला माइनस तो यहाँ माइनस लगा देना, समझ में आया, ये वाला माइनस हट जाएगा यहाँ पर जाता है, ठीक। तब देखो 5 में से 5 जा 0 या कैंसिल, 8 में से इतना होगा। तो देखो यहाँ पे भी इस तरह से 5 आया, इस तरह से 5 आया, तो बताओ इजी है कि नहीं है, इजी है ना, दोनों तरीके से चाहे इस तरह से लगाओ चाहे इस तरह से लगाओ, क्लियर। इसी तरह ये देखो माइनस 72 बाई क्या है 18, हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप जो है दिमाग लगाओगे, मैंने क्या कहा ऐसे माइनस 72 और इसको बाई हटा दो तो ऐसे डिवाइड लगता, इसको हटाते हैं बाई वाले में तो ऐसे लगाते हैं 18, तो ये आपका नीचे उतर क्या आ जाता है माइनस 72 बाई 18, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसा, अब ऐसा टेबल पड़ी 18 का जो है इसे 72 से अधिक ना हो, तो 18 कम 18 18 दो ना 36 और 18 54 18 चौका 72 चौका, ए बड़ा चौका, यानी वो चार बार हुआ ना, यानी ये जीत सीधे आपका कितने बार हो गया, कितने बार माइनस 4, माइनस तो माइनस लगाए ना, ठीक है। तो जैसे मैच में नहीं चिल्लाता मारा चौका, यानी ये चार बार में गया इतना हो गया। अदरवाइज आप इस तरह से दिखाओ या इसी सवाल को आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जो बाद में होता है उसको क्या लिखते हैं पहले ऐसे, और जो पहले होता है उसको कहाँ लिखते हैं बीच में लिखते हैं ना यहाँ पे, हाँ। अब ऐसा पाड़ा पढ़ो कि इससे 72 से अधिक ना हो, 18 चौका 72, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे ये ऐसे भी माइनस हो जाएगा, ठीक।
तो बताओ बच्चों भाई माइनस माइनस मतलब ये हो जाएगा, तो एक कट गया टू मिस टू जा, ये भी कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसको समझ लो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्या है बहुत इजी है। घर पे आप लोग को लगाना चाहिए, तीन बेर चार बेर एक सवाल लगाए नहीं आया तो मैथ लगा रहे हो, तो अभी से आप सोचो, इसी उम्र से सोचो सर जी सवाल बताएं ऐसे लगाने के लिए, यदि हम ऐसे लगाएं तो आ जा रहा कि आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो सोचो एक दो बार लगाओ, तीन चार बेर लगाओ, हमेशा लगाओ, तो जब मैथ आप लोग लगाते रहोगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा, आया समझे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें बच्चों। देखिए लोअर क्लास का है, लेकिन आप यही लोअर क्लासों में जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो लोग बहुत सही समझ में आएगा। जैसे क्या कहा है, डिजिबिलिटी बाई द टू, यानी ऐसे कोई नंबर है जो आप पता कर पाओगे कि दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितनों बड़ा नंबर है सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे एक दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तुम लोग को बताया जाता है इवन नंबर, क्या बताया जाता है इवन नंबर, इवन नंबर ये बताया जाता है कि जिसका पेयर होता हो, क्या होता हो पेयर, रिपीट मत करो ध्यान से समझो, यानी जोड़ी होता है, यानी इसको बोलते हो सम संख्या, क्या बोलते हो सम संख्या, जहाँ पे जोड़ी रहे, जैसे वो कितना बड़ा नंबर रहे सम संख्या पेयर यानी जोड़ी। जैसे आप मान लो आपका नंबर में तुम देखो दो की जोड़ी बन जाएगा ना, एक एक की ऐसी जोड़ी बन जाएगा ना, ठीक है, चार है तो इसका भी जोड़ी बन जाएगा, ऐसे ऐसे एक साथ दूसरे साथ जोड़ी बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ मान लो सिक्स है, ठीक है, एक जोड़ी दो जोड़ी और यहाँ पे तीन जोड़ी से बन गया ना, बड़ी तुम लोग को कॉमन सेंस में बताया जा रहा है। तो ये जो जोड़ी हो जा रहा है, यानी ऐसी संख्या जो लास्ट में क्या हो इवन नंबर हो, क्या हो जोड़ी हो इवन नंबर हो, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे डिजिबिलिटी बाई द टू कहेंगे, राइट। यानी दो से कटने वाली नंबर कौन कौन से हो जाएंगे सब, तुम लोग दिमाग लगाओ, दो भी रहेगा, दो चार समझ पा रहे बच्चों, हो गया तो इतना हो गया ना। अब यही मान लो यदि बड़ा नंबर एक साथ आ जाए, यदि ये नंबर बड़ा एक साथ आ जाए, जैसे सपोज करो तुम लोग जीरो भी रहेगा तब भी, जीरो भी रहे तब भी, इस तरह से तब भी, जैसे मान लो यहाँ पर यदि मैं 100 लिख दिया ऐसे या 1000 लिख दिया, देखो है ना ये दो से कट जाएगा, चेक करना चाहते हो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ऐसे तुम लोग को डिवाइड आता ना, देख लो डिवाइड करके 2 5 10 कैंसिल, जीरो रिसीव करोगे, 2 0 जा जीरो रिसीव क्यों, यहाँ पे जीरो करोगे 2 0 जा जीरो, यानी किससे कट आया दो से कट गया ना, तो कितना आया कितना हो गया लास्ट में जीरो रहे तब भी, अब जैसे मान लो छोटा नंबर है 2 है, 2 है तो 2 को भी 2 से देखा तो 2 बन जा, तो 2 से डिजिबिलिटी है। अच्छी है, देखो डिजिबिलिटी में आई 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 कितने बार, 5 बार आई आया डिजिबिलिटी, डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी, ठीक है। अब इस मान लो यहाँ पे 4 था, तू इसे भी कट करके देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 2 जा, ऐसे कट जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर 8 भी लेते जितना भी रहते, आप बड़े नंबर पे हम आते हैं, छोटा नंबर तुम लोग समझ जाओगे इस तरह डिवाइड करके, जैसे मैं कहूँ इस एग्जांपल में इस तरह 1680 ऐसे रहे, ठीक है 1680 लेना या इतना रहे, देखो लास्ट में 1 है ना पेयर है ना, यदि इससे 2 कट जाएगा, ये भी 0 है तो 2 से कट जाएगा, ये 6 है तो ये भी कट जाएगा, 6 है तो ये भी कट जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पे 5 रहेगा तो नहीं कटेगा, ये पेयर नहीं कटेगा, ठीक है, यानी इससे ये नहीं है, यानी ये 2 से नहीं कटने वाला है, 3 भी रहेगा तब भी नहीं कटेगा, इतना इस तरह से है, ठीक है, तभी नहीं कटेगा, सिर्फ 2 का पेयर बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, तो आखिरी में कितना 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो
जीरो तो रहेगा उसके बाद जाएगा, बस इतने शुरुआती का नंबर जान लो। जीरो हो लास्ट में, टू फोर सिक्स एट रहेगा लास्ट में, तो नंबर क्या देगा आसानी से कट जाएगा। आए बात समझे? यदि मान लो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 168 जा 16 है, ठीक है, टू फोर जा गया ना। आप ये देखो इसमें से कोई डिवाइड करके देखना, देखो मान लीजिए है 174696 ऐसे ना, इसको टू से कर डिवाइड करा, तो जब यहाँ टू से डिवाइड करेंगे हम लोग 14 आते हैं, क्या लिखेंगे 9 में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 24 जा 8 क्या लिखोगे, ये नंबर डिजिबिलिटी है बाई 2 से, ऐसे लिख दो यहाँ पे 17496 इज, यही लिख दो डिजिबिलिटी, ठीक है, हाँ बाई ऐसे लिख दो, ठीक है, यही प्राइस यहाँ पर लिख दीजिए। ये इससे जो क्या है डिवाइडिंग है, यानी ये हिंदी में लिखोगे 17496 दो से भाज्य है, यानी कट जाएगा, भाज्य है मतलब भाग हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कितना से, भाज्य यानी कट कट जाएगा, कट जाए आज समझे बच्चे, बच्चों समझ में आया, तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरह जो 3 का डिजिबिलिटी होता है, 5 का डिजिबिलिटी होता है, 7 का होता है, 9 का होता है, तो 9 तो 3 में आ जाएगा, 11 का होता है, 17 का होता है, इस तरह के जो है बहुत ज्यादा डिजिबिलिटी पाए जाते हैं, कौन किससे कटता है, समझ में आया, भूलेगा नहीं ना, आपके वो आसानी से पता कर लोगे कौन दूसरे कटेगा, कौन तीसरे कटेगा, कौन किससे कटेगा। तो अभी इसके बहुत से भाग हैं, ठीक है, अभी ये 2 से कटा है, तो अभी कई और भी कटने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो क्लियर।